जी हाँ दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ बिल्ली पली है जिसको हम बिल्लू कहते हैं, वो काफ़ी दिन से काफ़ी परेशान थी, काफ़ी क्यूरियस थी, और वो मुझे बार बार रोड पे ले जा रही थी बुला के, और वहाँ पे मुझे कुछ वो दिखाना चाह रही थी। तो वो सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में आपको दी है, कैसे कैसे वो मुझे बाहर ले, कैसे मैंने दिखाया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको पहले पार्ट को आप देखिएगा, देन सेकेंड पार्ट ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो उसको ढूंढने के जल्दी बाद तो आओ फाइनली जब हम लोग को पता चला कि हमारी बिल्ली इतनी क्यूरियस क्यों थी, क्योंकि उसने उसके बेबीज एक दूसरे घर में उसने यार। रखे थे, और वो वहाँ पे जो जहाँ पे उसने बेबी अपने रखे थे, वो उन्होंने कमरे को, उस रूम को लॉक कर दिया था। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, मुझे इसलिए वहाँ बार बार ले जा रही थी ताकि मैं उसके बेबीज़ को वहाँ से लेके अपने घर में रख दूँ। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे उसके दो बेबीज़ हैं यहाँ पे, एक आपको देख सकता है टू कलर्स में, वाइट है और हल्का लाइट ब्राउन है, और एक पूरा उसका यहाँ पे ब्लैक टाइप का है, मतलब लाइट ब्लैक टाइप का उसका किटन है। तो ये दो किटन उसके थे यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी क्यूट से किटन है। तो मैं सिंपली उनको वहाँ से पहले मैं गया, तो मैंने उन घर वाले से जिनके पास जिनके घर में जा रही थी हमारी बिल्लू, ने बिल्लू उनसे ना बिल्लू पूछा कि आपके ना यहाँ से बिल्ली ने अपने बच्चे तो नहीं रखे, किटन तो नहीं रखे। तो उन्होंने कहा नहीं रखे, बट हमने फिर उनसे कहा कि हाँ ये बिल्ली आप ही के यहाँ आ रही, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लिया कि हेलो, हो सकता है कि आपके घर रिकॉर्ड में हो ऐसे गया। किटन रखे हों। तो उन्होंने उसको ढूंढा वहाँ पे, और कुछ ही देर में वो ये जो किटन थे वो लेके आए, और उन्होंने हमको ये यहाँ पे प्रोवाइड दे दिए कि हाँ आपकी बिल्ली के दो बच्चे हमारे यहाँ थे। फिर मैं उसको वहाँ से लेके आया, मतलब वो खुद लेके आए उन्होंने दिए, और जैसे इसने देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी काफ़ी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये बेचारी परेशान चल रही थी, काफ़ी डिस्टर्ब थी। और जैसे इसको बच्चे मिले, इसने फ़ौरन बच्चे अपने पास उठा के और बॉक्स में ले जाके इसको रख लिया। और आप दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दो दिन तक लगातार, 2 से 3 दिन तक लगातार इस कंटिन्यू इसी बॉक्स में रही। हमने सारा इसको यहाँ पे उसका जो मिल्क होता है, जो भी इसका फूड था, कैट फूड, उसको यहाँ पे ही प्रोवाइड किया, इस बॉक्स से वो निकली नहीं। और आज 1 हफ्ते के ऊपर हो रहा है, 10-12 दिन हो रहे हैं, तो स्टिल ये दिन भर इस बॉक्स में रहती है, और बाहर बस बहुत से बहुत 1 घंटे के लिए जाती है, फिर वापस आ जाती है, और भी हर टाइम अपने बच्चों की केयर करते रहते। क्योंकि मैं बता दूं कि ये लास्ट 2 टाइम इसके जो बच्चे थे वो इसके बच्चे सरवाइव नहीं कर पाए थे। एक बार जो बिल्ला था उसने इसके बच्चों को मार दिया था, और एक बार इसका और भी बच्चे नहीं बच पाए थे। तो अब काफ़ी ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल हो गई है, अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा केयर कर रही है। तो अब आगे जो भी अपडेट होंगी इसके किडनैपिंग के रिलेटेड, वो मैं अपडेट अपलोड करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करेगा, प्लीज़ फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा।